नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे हमारे कस्टमर्स रिपीटेडली एक क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। इस तरीके से जो छोटा प्रिंटर है, यानी जो बिल प्रिंट करने वाला प्रिंटर है, उसमें बारकोड क्यों प्रिंट नहीं कर सकता है? उसमें क्योंकि उसमें प्रिंट और उसमें बारकोड भी, लेबल भी प्रिंट करो, क्यों प्रॉब्लम है? तो क्यों हमने इस तरीके से बारकोड के लिए प्रिंटर रखना ज़रूरी है, या LP46 कॉम्बो प्रिंटर रखना ज़रूरी है? तो इसी में सब कुछ करवा दो, या इसी में सब कुछ करा दो, क्यों नहीं हो सकता है? वेरी सिंपल आंसर है दोस्तों। जितना भी आपका ये जो थर्मल रिसिप्ट प्रिंटर होती है, इस तरीके से छोटा जैसे थर्मल रिसिप्ट प्रिंटर होती है, उस प्रिंटरों में सेंसर नहीं होता है। यानी जितना भी आपका जो लेबल्स होती है, बारकोड लेबल्स, इसका बीच बीच में जो कटिंग्स होती हैं, मैंने अपना ये वाला कैमरा में दिखा देता हूँ आपको। ये जो बीच बीच में जो कटिंग दिख रहा है ना, ये आपको लाइंस दिख रहा है आपको, ये जो लाइंस आपको, यानी वो सेंस करने के लिए एक सेंसर का ज़रूरत होती है। जब तक वो सेंसर नहीं है, वो एग्जैक्टली इस स्टिकर का सेंटर में प्रिंट नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो ये मैंने आपको एक खोल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो प्रिंटर खोल के दिखा देता हूँ, सबसे पहले ये जो प्रिंटर आप इस तरीके से खोलेंगे, ये देखो एवरीकॉम का प्रिंटर है, ये आप एक्चुअली रिसिप्ट प्रिंटर है, ठीक है जी। ये देखिए आपको, इसके अंदर किसी तरीके से सेंसर नहीं है, खाली पेपर बाहर छोड़ देंगे, वो कट कर देंगे, कटिंग का मैकेनिज्म यहाँ है बस। यानी कि आप जो मैंने पहले कहा था आपको, ये जो पेपर होता है उसको जो बीच का जो ये जो गैप होता है ना, उसको सेंस करने के लिए इसके अंदर सेंसर नहीं दिया गया हुआ है, ठीक है जी। और इस जितना भी आपको इस तरीके से जो प्रिंटर मिलता है, यानी क्या बोलते हैं उसका, रिसिप्ट प्रिंटर मिलती है, इसमें सेंसर नहीं होता है। और जैसे आपका लेबर प्रिंटर हो गए, मैंने थोड़ा सा साइड में करते हैं, जैसे आपका लेबल प्रिंटर होती है, उसको सेंसर होती है। मैं आपको सेंसर दिखा देता हूँ पहले। ये आपने खोल देंगे, ये आपने खोलने के बाद इसको भी खोलिएगा। ये जो पेपर आपको इधर से ऐसा रोल करके आपको बड़ा कर सकता है, और ये पेपर मैंने पीछे खींच लेता हूँ। ये रहा दोस्तों, ये देखिए आपने, ये जो कहता है आपको सेंसर, यानी वो जो पेपर जो है ना, इसको ऊपर से ऐसे मतलब आती है, यानी इस तरीके से आती है, वो गैप जो है ना, यानी वो जो स्टिकर का जो गैप होती है, वो सेंस कर लेती है, ठीक है जी। ये जो गैप होती है, देखिए ये जो गैप होता है ना, वो सेंस करती है, वो सेंस करके एग्जैक्टली वो कहाँ स्टिकर है वो प्रिंटर को पता चलता है, वो एग्जैक्टली उसको सेंटर में प्रिंट दे देती है, ठीक है जी। इस तरीके से जो भी प्रिंट होती है ना, ये देखिए ये प्रिंट जो देती है। लेकिन आपको इस तरीके से जो रिसिप्ट प्रिंटर में वो सब मैकेनिज्म नहीं होती है, ये सबसे मेन थिंग। और दूसरी भी बात क्या है, ये जो प्रिंटर का स्पीड हाई स्पीड होती है, ऑटोमेटिक कटिंग मैकेनिज्म इसके अंदर होती है, और ये वाला जो प्रिंटर है, ये इतना हाई स्पीड नहीं होती है, लेकिन इसका डेप्थ ज़्यादा है दोस्तों। प्रिंटिंग का डेप्थ कहता है उसको, प्रिंटिंग डेप्थ तो वेरी हाई होती है, ठीक है जी। और ये जो प्रिंटर में इस तरीके से जो प्रिंटर होती है, इवन आपको LP46 नियो वाला भी प्रिंटर में आपको रिबन डालने के लिए ऑप्शन है, ठीक है, बगैर रिबन में भी प्रिंट कर सकता है, डायरेक्ट थर्मल और थर्मल ट्रांसफ़र दोनों कर सकता है। आपको एक क्वेश्चन और आया होगा, क्या है डायरेक्ट थर्मल, क्या है थर्मल ट्रांसफ़र? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी हम दिखाएंगे आपको, क्या है डायरेक्ट थर्मल और क्या है थर्मल ट्रांसफ़र। उसके लिए आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो पेपर पड़ा है आपके पास, देखिएगा स्टिकर्स है, बहुत सारे स्टिकर्स आपके हाथ में है, थर्मल पेपर रोल, तो इसमें से कैसे पता चलेंगे हमको कौन सा डायरेक्ट थर्मल, कौन सा थर्मल ट्रांसफ़र क्या है, और किस में रिबन डालना है, किस में रिबन नहीं डालना है, ये सब कुछ हमने जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके लिए हमें चाहिए एक लाइटर, ये लाइटर दोस्तों, मतलब जैसे लाइटर यानी इधर से आग लगता है, ठीक है ना, आग लगने की लाइटर, ये लाइटर का इस्तेमाल किया तो आपको वेरी ईजीएस्ट वे में उसको पता चलता है। या लाइटर लगाइए, मैच बॉक्स लगाइए, कोई भी लगाइए, आप देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसमें देखो ये जो प्रिंटर में ये जो रिबन लगा हुआ है, और ये जो प्रिंटर में कोई रिबन है ही नहीं, ये वाला प्रिंटर में भी रिबन कुछ नहीं है, आपने खोल के देखा तो इसमें कोई रिबन डालने के लिए मैकेनिज्म नहीं है, फिर कैसा प्रिंट होती है? ये प्रिंटर को कहता है डायरेक्ट थर्मल, डायरेक्ट थर्मल। ये वाला प्रिंटर को कहता है जो रिबन डाला हुआ है, थर्मल ट्रांसफ़र, क्योंकि
इसमें जो पेपर डालती है, इसमें जो जो भी स्टिकर डालते हैं ना, स्टिकर का पेपर, इसमें ये जो कार्बन हीट करके वो कार्बन इसके अंदर चिपक जाती है, यानी तभी ओके प्रिंट होती है। लेकिन ये वाले प्रिंटर में ऐसा नहीं है। ये वाला प्रिंटर में क्या होती है, आपका जो डायरेक्टली ये जो हेड होता है इधर, जो थर्मल हेड होती है, थर्मल हेड जो पेपर में डायरेक्ट हीट करके डायरेक्ट पेपर काला हो जाती है, यानी उसमें दो टाइप का होता है, ब्लैक ब्लू भी होती है और ब्लैक का भी, ये इस तरीके से जो पेपर रोल्स अवेलेबल हैं। तो ये डायरेक्ट थर्मल ट्रांसफ़र ये पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से जो डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर लिया है, इस तरीके से जो डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर लिया है, तो उसमें आपको यानी नॉर्मल पेपर डालने से प्रिंट नहीं आएंगे, उसको डायरेक्ट थर्मल पेपर रोल डालना जरूरी है। डायरेक्ट थर्मल पेपर रोल पता करने के लिए वेरी सिंपल है दोस्तों, आपने एक लाइटर लेना, मैंने जो पहले बताया, देखिए ये जो लाइटर हमने हाथ में ले रखा है और इसको थोड़ा सा हीट करिए आपने, देखिए ये जो जगह पे मैंने थोड़ा सा हीट कर दे रहा हूँ, देखिए ना वो तुरंत ब्लो हो गया ना जी, जैसा हीट होते है तुरंत ब्लो होती है। और दूसरा जो पेपर होती है ये जो है, ठीक है जी, यहाँ मैंने हीट करेंगे ना, ये थोड़ी देर के बाद ये जलना शुरू कर देंगे, लेकिन कोई कलर चेंजेस नहीं होंगे। देखिए ये लाइटर चालू है अभी, देख सुनिए लाइटर अभी चालू है, आप देख सकते हैं इसको हीट करने से कोई मतलब कलर चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन कोई कोई ऐसा स्टिकर आपको मिलेंगे जहाँ कलर चेंज होती है। देखो ये जो स्टिकर है ये एक्चुअली डायरेक्ट थर्मल स्टिकर है, इसमें ये दो लेवल स्टिकर होती है ना, ये देखो आपने हीट करिए, देखो तुरंत उसको काला हो जा रहा है ना जी, देखिए जैसा आपने हीट साथ में सामने लगेंगे तुरंत वो काला हो जाएंगे। ओ इस तरीके से आपको इसको कहता है डायरेक्ट थर्मल, और ये जो मतलब काला नहीं हुआ उसको कहता है आपको थर्मल ट्रांसफर स्टिकर्स। इस तरीके से दोनों टाइप का स्टिकर्स आपने अवेलेबल है, आपको अभी वेरी क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आपको जितना भी रिबन वाला प्रिंटर है उसमें आपने थर्मल ट्रांसफर पेपर डालिएगा इस तरीके से जो काला नहीं हुआ है, और जितना भी आपका यानी इस तरीके से प्रिंटर है उसमें डायरेक्ट थर्मल डालिएगा, ठीक है जी। और एक प्रिंटर और मैं दिखा देता हूँ यहाँ आपको, ये जो TVS का प्रिंटर है, TVS LP46 नियो प्रिंटर है, इसमें आपको जो कंट्रोल पैनल में जाके सारे सेटिंग्स कर सकता है, यानी डायरेक्ट थर्मल, थर्मल ट्रांसफ़र, बिल वाला बिल प्रिंट जो होती है ना, बिल और रसीप्ट और बार कोड जो भी है सब इसमें प्रिंट कर सकता है। तो इसमें आपको सेटिंग करने के लिए ऑप्शन कंट्रोल पैनल में प्रॉपरली दिया हुआ है, तो इसलिए ईजीएस्ट वे में आपको उसको सेटिंग कर सकता है और क्या बोलते हैं उसको मैनेज करने के लिए बहुत ईजी है ये। इसको हमने जो रेनडेक POS जो बिलिंग सॉफ्टवेयर होती है, यानी रेनडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर, उसका गोल्ड कॉम्बो पैक के साथ ये देती है हमने कॉम्बो पैक, जिसमें आपको जितना भी कस्टमर को जो बार कोड प्रिंट करना है और जितना भी कस्टमर को जो बिल प्रिंट करना है सारा सब कुछ इसमें कर सकता है। तो इवन आपको रिबन लगा के भी बिल प्रिंट कर सकता है, सॉरी रिबन लगा करके भी जो भी प्रिंट कर सकता है और बगैर रिबन में भी प्रिंट कर सकता है, दोनों ऑप्शन इसमें सेटिंग्स में अवेलेबल है। इनेबल डिसेबल का ऑप्शन दिया हुआ है और TSC प्रिंटर भी बहुत अच्छा प्रिंटर है, TSC प्रिंटर भी बहुत यानी फेमस प्रिंटर है ये, इसको भी मैंने बहुत पसंद करता हूँ ये जो प्रिंटर को भी, क्योंकि करोड़ों में बिका हुआ है शायद ये प्रिंटर, इतना सारे इंडियन मार्केट यानी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है ये प्रिंटर TSC का भी। और TVS का मेरे बहुत अच्छा लगा क्या है, उसका जो सर्विस सपोर्ट, TVS का 1 ईयर वारंटी हमको डायरेक्ट मिल जाती है, और आपको कहीं भी हो आपका जो लोकेशन है तो वहाँ आकर के वो सर्विस देती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में TVS का सर्विस सेंटर अवेलेबल है, इसलिए मेरे को बहुत पसंद आया TVS का प्रिंटर, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टीम अवेलेबल है इसका। ये सब प्रिंटर है जी, आपने एक बार लेने से ना जैसे 10-15 साल के लिए कुछ नहीं करना है, तो इतना पावरफुल प्रिंटर है TVS LP46 नहीं है। पर्सनली हमने बहुत हैप्पी है इसका सर्विस का ऊपर, ठीक है जी, इसका भी सर्विस है लेकिन हमने इतना सर्विस उसका चेक नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये प्रिंटर मेरा हाथ में नहीं है, और मैंने जो भी मेरे पास कस्टमर आती है वो अमेज़ॉन से बुकिंग करवा देती है। LP46 लगभग अभी 100 पीस का आसपास अपना स्टोर में अवेलेबल है, तो ये डायरेक्टली TVS वाला इधर मतलब लेके आती है, वो जो भी सर्विस के लिए आपको मतलब
सपोर्ट प्रॉपर एकदम प्रॉपर, लेकिन अभी तक इसका कोई इशू नहीं। एक बार मेरे को एक इशू आया था इसका, जो चार्जिंग का जो अडाप्टर का वजह से वो चार्जर का अडाप्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। उसके बाद एक ही भी प्रिंटर में, मतलब एक ही प्रिंटर को वो इशू आया था, उसके बाद कोई भी प्रिंटर में मेरे को उस तरीके से इशू नहीं आया। तो एकदम बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये सबका आपने अंडरस्टैंड किया होगा किस तरीके से ये सब काम करती है, क्या है इसका सिस्टम है, क्या है सब कुछ, ठीक है जी। सारे जितना भी ब्रांड प्रिंटर्स हैं सब एकदम बढ़िया है दोस्तों। और एप्सन, एवरीकॉम वगैरह, एवरीकॉम थोड़ा सा सस्ता प्रिंटर है और एवरीकॉम एप्सन थोड़ा सा महंगा है, और सबको मैंने बहुत पसंद करता हूँ। ऑल प्रिंटर टी एस सी या टी वी एस यानी एप्सन यानी ऑल आई लाइक टू मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।